पंजाब में कांग्रेस की सरकार को बने अभी 6 महीने ही हुए है कि पंजाब के अलग अलग विभागों के अधिकारियों की ओर से धरने प्रदर्शन करने का जोर पकड़ता जा रहा है। वहीं पंजाब में पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे आंगनवाड़ी वर्कर भी सरकार को बार बार अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए कई बार अपने अपने हलके के MLA और MP को मिल चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों का कोई हल नहीं निकला और अब वह अपना संघर्ष और तेज करने के लिए 2 अक्टूबर को मलेरकोटला में रजेल सुल्ताना के हलके में एक बड़ी रैली करने की रणनीति बना रहे हैं, जिसको लेकर आज पंजाब की प्रधान हरगोविंद कौर की अगुवाई में पंजाब के सभी जिलों के प्रधानों और दूसरे अहदेदारों ने मोगा के बीबी कहन कौर के गुरुद्वारा साहिब में एक अहम मीटिंग की और पंजाब सरकार ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए अगली रणनीति की तैयारी शुरू की। वहीं अहदेदारों के अलावा और भी भारी संख्या में वर्कर मौजूद थे। वहीं पंजाब की प्रधान हरगोविंद कौर ने बताया कि हमने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार के पास अपनी मांग MLA और MP द्वारा सभी विधानसभा हलकों से भेजी है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि आज हम पूरे पंजाब के आंगनवाड़ी के जिला प्रधान और ब्लॉक प्रधान एक अहम मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 अक्टूबर को मलेरकोटला में रजिया सुल्ताना के हलके में एक बड़ी रैली की जाएगी, जिसमें पंजाब भर के आंगनवाड़ी वर्कर हिस्सा लेंगे। उसके बाद 6 नवम्बर को हम दिल्ली जाएंगे और 30 नवम्बर को वित्त मंत्री के हल्के में जाएंगे। मोगा से आजाद TV न्यूज के लिए जोगिंदर सिंह की रिपोर्ट। इस तो पहले MLAs नु मिल के मांग पत्र दे चुके हैं, MPs नु मिल के मांग पत्र दे चुके हैं, मैडम नु आप मिल के मांग पत्र दिता है, पर साडी कोई सरकार सुनवाई नहीं कर रही। इस करके असी अपना संघर्ष है जेड़ा उन्हें तेज कर रहे। इस तो बाद अगे की तुसी कर रहे हो? इस तो अगे असी 6 नवंबर नु दिल्ली रैली वास्ते जावांगे, फिर असी वित्त मंत्री दे हल्के दे विच 3 नवंबर नु रैली करांगे मनप्रीत बादल। अपने किन्ने वर्कर ने इस विच? साडी यूनियन दे विच 30,000